यानी अब सोनपुर मेला का जो सरकारी स्टॉल था वो खत्म हो गया है, बचा सिर्फ है तो वो थिएटर। अगर नए साल का जश्न मनाना है तो मुझे लगता है सोनपुर भी बहुत अच्छा एक स्थल है जहां आकर आप जश्न मना सकते हैं नए साल का। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, जहां से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कई पौराणिक चीज़ें जो है वो समझ में आता है दृश्य को देखने के बाद। आप सभी को मालूम है कि 2023 में यह मेला गंगा स्नान के दिन से शुरू हुआ था, यानी उससे पहले इसका उद्घाटन हुआ था, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। और दरअसल ये 32 दिवसीय ये मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से चला, मेला का समापन भी हो गया। हमारे बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस मेले का समापन किया, साथ ही स्थानीय विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने। अभी उस परिसर में है जहां सबसे ज़्यादा मनोरंजन का कहीं केंद्र रहा है पूरे सोनपुर मेला में, तो ये परिसर रहा है। एक तरफ जहाँ भगवान जम्मू कश्मीर वाला जो है फीलिंग्स आपको मिल रहा था, तो दूसरी तरफ तरह तरह के झूलवे जो है वो लगाए गए थे। इधर आप देखेंगे, कैमरा को इधर फोकस कीजिए और दिखाइए क्या 360 झूला लगा हुआ है। उसके बगल में जो एक झूला लगा हुआ है उसको लोग पगला झूला कह रहे हैं। अब ये मेरे समझ के परे है कि क्यों कह रहे हैं, उसमें कोई खासियत जरूर होगा। लेकिन एक चीज़ जो है मैंने गौर किया पूरे सोनपुर मेला में, 32 दिवसीय मैं सोनपुर के निवासी होने के नाते यहाँ 32 दिनों मैंने मेला को देखा है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे ज़्यादा युवक और युवतियाँ जो सोनपुर मेले में आई है उनका एक केंद्र बिंदु जो बना हुआ था वो ये रील्स बनाने वाला ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा चला है। तकरीबन पूरे मेले में 50 से अधिक ऐसे बनाने वाले मशीन यहाँ सोनपुर मेले में लगाए थे, लोगों ने खूब कमाई भी किया है। हम इन लोगों से सबसे पहले जानेंगे, इनके मालिकों से जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने पूरे मेले में कमाई कितना किया है, आगे की इनके भविष्य क्या है, आगे में ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ये इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार हुआ भाई। कहाँ घर है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से सोनपुर में आया, ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है। हाँ। कितने कमा लेते हो? 2-4-5 हज़ार मतलब। हाँ। रोज प्रतिदिन का? हाँ। टैक्स भी देना पड़ता होगा? हाँ, देने। टैक्स कितना लेता है? 51 हज़ार लिया है पूरा मेला का। अच्छा, एक महीना का। जगह एक जगह ही शिफ्ट किए? हाँ, एक जगह है ना। कितने लोग यहाँ आते हैं मतलब? बहुत लोग आते हैं भाई, मतलब गिन नहीं पाते। अच्छा, इतना जो भीड़ लगा रहता है सिर्फ देखने के लिए कि वाकई में यहाँ बनाने के लिए? बहुत बनाता है। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि केंद्र बिंदु जो है ये रील्स बनाने वाला स्टोर। मैं आप मेरे इस वीडियो में कुछ वीडियोस जो है वो चलेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि सोनपुर मेला कब तक था, तो 32 दिवसीय ये आयोजन था जो खत्म हो चुका है, यानी अब सोनपुर मेला का जो सरकारी स्टॉल था वो खत्म हो गया है, बचा सिर्फ है तो वो थिएटर जो है वो 30 दिसंबर तक रहेगा, ऐसा कि प्रशासनिक तौर पर मानना है। तो 30 दिसंबर तक सोनपुर मेले में हर जो 6 थिएटर लगे थे वो थिएटर रहेंगे। उसके बाद जो आपको ये मनोरंजन का केंद्र जो बना हुआ था, झुलुआ वगैरह, ये सब जो है वो 30 दिसंबर तक रहेंगे। फिलहाल अगर नए साल का जश्न मनाना है तो मुझे लगता है सोनपुर भी बहुत अच्छा एक स्थल है जहां आकर आप जश्न मना सकते हैं नए साल का। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमारी प्रतिक्रिया जो साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।